नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग भी अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को अपडेट करना चाहते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको जो प्ले स्टोर यहाँ पे अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है? यदि हाँ तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप प्ले स्टोर को अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको वीडियो का पूरा देखना होगा। तो सबसे पहले जो है फ्रेंड्स, आपको जो यहाँ पे अपना प्ले स्टोर को ओपन कर लेना होगा। अब आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऊपर प्रोफाइल का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा कोने पर, इस पर आपको जो यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पे जो है क्लिक करता हूँ प्रोफाइल पर। अब आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऊपर से नीचे की तरफ सेटिंग का ऑप्शन, आपको जो यहाँ पे सेटिंग पर क्लिक करना होगा। वैसे तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, लेकिन यदि आपको यहाँ पे लगता है कि अपडेट नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आपको जो है ऊपर से नीचे आना होगा, सबसे नीचे अबाउट के चिन्ह पर, इस पर आपको जो यहाँ पे क्लिक करना होगा अबाउट पर। अबाउट पर क्लिक करने के बाद आपको जो यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा ओपन सोर्स लाइसेंस, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर थर्ड पार्टी दिखाई देगा। आपको नीचे आना होगा, यहाँ पर आपको लिखा होगा प्ले स्टोर वर्जन और नीचे लिखा होगा अपडेट प्ले स्टोर, आगे लिखा लर्न मोर। आपको यहाँ पे प्ले स्टोर को अपडेट करना है तो आपको यहाँ पे प्ले स्टोर अपडेट पर क्लिक करना होगा। यदि आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आता है तो आप समझ जाना कि आपको जो यहाँ पे प्ले स्टोर है यहाँ पे अपडेट हो चुका है, यानी कि वो डेट टू डेट अपडेट हो रहा है। यदि यहाँ पे आपको अपडेट इस तरीके का ऑप्शन नहीं आ रहा है और लोडिंग ले रहा है तो समझ जाना कि आपको जो यहाँ पे प्ले स्टोर यहाँ पे अपडेट हो रहा है, यानी कि होने लगाए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप जो अपने प्ले स्टोर को अपडेट कर सकते हैं। यदि फिर भी कोई दिक्कत आ रही है अपडेट करने में या आपको डाउट हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।